What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Sterlore Family. ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। अगर आज की डेट में आप लोग अपने आप को एक टफ शेड्यूल में डालकर अपने मुकाम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो लोगों को बस आप लोगों की मंजिल दिखाई देगी और लोग ये बोलेंगे कि देखिए इंसान वहां पहुंच गया है, कितनी आसानी से मजे ले रहा है जिंदगी के। पर उसको ये नहीं पता है कि कितने शेड्यूल फॉलो किए हैं। जब लोग होली दिवाली या अपने ईद दशहरा सेलिब्रेट कर रहे थे उस टाइम पर ये इंसान बस पढ़ रहा था। बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइस किए जाते हैं इंसान के द्वारा जब लाइफ में किसी टारगेट को अचीव करता है कि दूसरा उस टाइम पर मजे ले रहा होता है अपनी जिंदगी के। पर लेकिन जब यहां पर ये इंसान उस मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो इंसान पहले वाला ये बोलता है कि यार ये देख जिंदगी के मजे ले रहा है। एक्चुअल में ये वही इंसान समझ सकता है जिसने मेहनत की है, ये वही इंसान समझ सकता है कि जो उस पोजीशन पर बैठा हुआ है कि वो कैसे यहां तक पहुंचा है। इस तरीके से अगर आप लोग कोई दिखता है ना किसी पोजीशन पर है तो ये मत बोलिए कितनी आसानी से पहुंच गया, कितनी मेहनत उसने की है ये देखिए और उस तरीके से आप भी अपने गोल को अचीव कीजिए। और अगर आप लोग अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो पहले ये देखिए उस फील्ड में कौन सबसे बेस्ट पर्सन है आज के डेट में जो उस पोजीशन पर बैठा हुआ है और कोशिश कीजिए कि उससे कुछ सीखिए। उसका पैटर्न फॉलो नहीं करना है, पैटर्न अपना ही फॉलो करना है। बस उससे क्या सीखकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं ये आप लोगों को देखना है। इससे आप लोगों को एक गोल को अचीव करने में आप लोगों को आसानी मिल जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि टॉपर्स के इंटरव्यू सुनो, टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखो क्या फॉलो की जा रही है। पर लेकिन हर एक टॉपर्स की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, आप भी अपनी बनाइए, उनसे सीखिए। पर लेकिन खुद का अपना रास्ता बनाइए जो कि आपके द्वारा क्रिएट किया गया होगा। काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आप अगर आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर है सीरिया, तो सीरिया को जाकर मैप में नहीं हारेगा जो कि काफी न्यूज में भी रहता है। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन वगैरह भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनका आंसर आप लोगों को देना है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम। और टेलीग्राम आप लोग वैसे भी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि एकदम आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से आर्टिकल है जो यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला आर्टिकल है और ये वाला आर्टिकल है। अभी आप लोगों को बताया सऊदी अरेबिया की ऑयल जो रिफाइनरी है उसमें आग लगी तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कंबाइन कर दोनों आर्टिकल को डिस्कस करूंगा और इसी के साथ में एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के यहां से आने वाला है जो कि आप लोगों को आंसर करना है। ये नीचे वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये मिजल्स के बारे में बात कर रहा है, बीमारी के बारे में। तो देखते हैं क्या क्या इंपैक्ट इसका पड़ रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां पर मिल सकते हैं तो उसके ऊपर ही हम लोग नजर डालेंगे। ये फिर से आर्टिकल 370 के बारे में है, नहीं डिस्कस करेंगे, काफी कुछ डिस्कस किया जा चुके हैं आप लोग जानती हैं। 5 अगस्त से लेकर अब तक बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए जा चुके हैं जब से यहां पर आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब से लेकर सारी कंडीशन आप लोगों को बताई जा चुकी है कि किस तरीके से उसको वहां से हटाया गया, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। इसी के साथ में आज के डेट में क्या कंडीशन वहां पर बनी हुई है, आज की डेट में किस तरीके से जो वहां पर प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो सारी बातें यहां पर डिस्कस की जा चुकी है। ओके, तो ये आर्टिकल वैसे भी आप लोग आज के में तो एक जनरलाइज फॉर्म में भी आप लोग सब जानते हैं तो कोई यहां पर ज्यादा स्पेशलिटी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारी कंट्री में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अगर साफ पानी की बात की जाए काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और पर्टिकल अगर हमारी कंट्री की बात करें तो टारगेट है 2024 तक सबके घर में पाइप वाटर पहुंचाने का। तो इसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और कई सारी और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी जो कि आप लोग आगे आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर ये फूड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जो कि मुझे भी आज ही पता चला, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बताऊंगा। इसके बारे में सर्च किया काफी मैंने और आप लोगों को भी काफी डिटेल में जानने को मिलेंगी चीजें। ये वाला आर्टिकल यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ में कंबाइन करके डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये डेटा पॉइंट है। यहाँ पर जो आर्टिकल है नॉर्मली ये माना जाता है जब बात करते हैं आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की कि बाहर से लोग आए हैं, आर्यंस बाहर से आते हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे कई सारे ऐसे इविडेंस मिल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि ये ही के ही लोकल थे, तो उसी के चलते ये डिबेटेबल पॉइंट है हिस्ट्री में भी। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर हिस्ट्री नॉर्मल भी पढ़ी है या फिर अगर ऑप्शनल है तो आप लोगों ने डिटेल में इसको देखा होगा कि कितना डिबेट का पॉइंट है कि जो आर्यन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पर जो लोग आकर बसे थे वो ये माना जाता है कि बाहर से आकर यहां पर बसे थे और उनके द्वारा यहां पर ये सिविलाइजेशन बनाई गई थी। तो इसी के चलते, और हाँ, कल्चर और जब सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस ये है, कल्चर को इंप्रूव जब कर देते हैं एक प्रॉपर वे में तो वो सिविलाइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कल्चर आप लोग बोल सकते हैं जिसे ट्राइबल भी एक कल्चर हो गई, ठीक है, पर लेकिन सिविलाइज लोग जिसको बोलते हैं सिविलाइजेशन के तौर पर हम लोग रहते हैं तो एक तरीके से कल्चर का एक एक्सटेंडेड वर्जन आप लोग सिविलाइजेशन को बोल सकते हैं। तो इसके बारे में यहां पर यह जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले आप लोगों के सामने सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि यहां पर तीन आर्टिकल यानी कि ये सारे कंबाइन करके डिस्कस करूंगा।
ये वाला आर्टिकल, ये वाला और ये डेटा पॉइंट। तो नजर डालते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल के ऊपर नजर डालने से पहले आप लोगों के सामने यहां पर एक क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट ड्रोन अटैक देखने को मिला सऊदी अरेबिया की आर्मी को, ऑयल प्रोसेसिंग जो फैसिलिटी है उसके ऊपर। तो आप लोगों को यह बताना है कि जो इसकी वजह से इसके द्वारा लगभग हाफ जो ऑयल क्रूड आउटपुट है उसके द्वारा कट कर दिया गया है, तो इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इमर्जिंग इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया, तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो ये आप लोगों को बताना है। पूरा डिटेल सिनेरियो देखते हैं। इससे पहले आप लोग एक बार लोकेशन देखिए। लोकेशन ये है सऊदी अरेबिया की, अपनी कंट्री कंपेयर में यहां पर अगर आप लोग देखेंगे ये है हमारी कंट्री, और यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर यहां पर ये पूरा पेनिनसुला है, मतलब तीन साइड से यहां पर ये पानी से घिरा हुआ है, तो इसको सऊदी अरेबिया पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ही अगर आप लोग थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो आप लोगों को ये दो पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये दो पर्टिकुलर एरिया है जहां पर अभी ईरान के द्वारा बोला जा रहा है। देखिए यहां पर दो कंडीशन बनी है। नॉर्मली माना जा रहा है कि हुतेई कम्युनिटी के द्वारा इन दो एरिया पर अटैक किए गए हैं, एक तो बात ये बोली जा रही है। दूसरा यूएसए यहां पर ये बोल रहा है कि हुतेई कम्युनिटी के द्वारा नहीं है, ईरान के द्वारा अटैक किए गए हैं। तो अब तक यहां पर जो क्लेम किया गया वो किया गया हुतेई कम्युनिटी के द्वारा। हुतेई एक कम्युनिटी है जो कि यमन में रहती है, यमन के अंदर कंट्रोल है हुतेई कम्युनिटी का, और जब से यहां पर वॉर चल रही है सऊदी अरेबिया की इसके ऊपर, तब से ये जो कम्युनिटी है ये यहां पर बदला लेने के लिए यहां पर बोला गया है कि इसके द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं। पर लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर एरिया की, हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर एरिया की। सऊदी अरेबिया सेकंड लार्जेस्ट हमारे हमको प्रोवाइड कराने वाला है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल, जिसमें आप लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं। तो ये क्रूड ऑयल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं और फिर आगे चलकर इसमें से सारी चीजें हम लोग निकालते हैं। तो सेकंड नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराने वाला हमको है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में अगर 50% यहां पर ये आउटपुट बंद कर दिया जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री पर कितना ह्यूज इंपैक्ट पड़ने वाला है। बाकी इसके अलावा ईरान, ये यहां पर इराक हो गया, ये सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुएला, नाइजीरिया और यूएई, ये कंट्री हम लोगों को क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराती हैं। अगर रीजन वाइज बात करें तो ये मिडिल ईस्ट हो गया और अफ्रीका रीजन हो गया और यहां पर ये हो गया साउथ अमेरिका। ये बेसिक रीजन है जहां से हम लोग को क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल मिलता है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यहां पर मेंटेन रहती है। बाकी ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर कहां पर इनकी लोकेशन है, ठीक है, और ये किस नाम से, इनका नाम याद रखिएगा, ये है कुराइस और ये है अबकेक, ठीक है। तो ये दो ऑयल फील्ड है जो कि काफी बड़े ऑयल फील्ड माने जाते हैं यहां पर पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। और अगर यहां पर आप लोग जैसे अभी देखें यहां पर, तो ये याद रखिएगा यहां पर कि ये पर्टिकुलर रीजन है यहां पर, और इस पर्टिकुलर रीजन से हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर हम अपना इंपोर्ट करते हैं यहां से जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। तो अगर इस रीजन में शांति नहीं रहेगी तो ये हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर अगर बात करें कुराइस और अबकेक, ये दो ऑफिशियल प्रोसेसिंग जो ऑयल फील्ड थे यहां पर जिसके ऊपर ये अटैक किया गया सऊदी अरेबिया की अर्मी को, ये वही कंपनी है हमारी कंट्री में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही थी रिलायंस के साथ मिलकर। तो देखते हैं कैसे आगे बात चलती है। हालांकि क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो बोला गया कि इंडिया को कम नहीं होगी, पर लेकिन प्राइस बढ़ता हुआ आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब यहां पर हमारी कंट्री में अगर आप लोग देख लीजिए कितनी गाड़ियां, कितने व्हीकल हमारी कंट्री में चलते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में यही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर इस टाइम पर अगर सडन डिसरप्शन यहां पर हो जाता है, यानी कि अगर यहां पर इस तरीके से इमीडिएट यहां पर कटआउट किया जाता है, तो यह माना जा रहा है कि लगभग 20% यहां पर जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस बढ़ता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि अमेरिका ने यहां पर बोला है कि वो यहां पर इसको बढ़ने नहीं देगा, उसके द्वारा बोला गया है कि वो यहां पर जो उसका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व था वो यहां पर उसको आउट कर देगा, और इसके बेस पर ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी सप्लाई यहां से सऊदी अरेबिया से आ रही थी अब वो इसको रिप्लेस करेगा। यानी कि लगभग फिर भी अगर अमेरिका भी यहां पर निकलकर सामने आता है तो 10% तो लगभग यहां पर अभी भी ये फायदा देखने को मिलेगा। देखिए अमेरिका जो होता है वो भी काफी बड़ा यहां पर एक तरीके से ऑयल का रिजर्व कंट्री है, काफी रिसोर्सफुल कंट्री है अमेरिका भी। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी 2020 में अमेरिका में इलेक्शन आने वाले हैं। तो अगर यहां पर ऑयल प्राइस बढ़ता है, ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से सीधा सीधा इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर हमारी कंट्री में हम लोग यहां पर जम्मू और कश्मीर से अगर हम लोग अखरोट लेकर आ रहे हैं और वो अखरोट हम लोग लाकर यहां पर तमिलनाडु में बेच रहे हैं, तो इसको लाने का जो यहां पर कॉस्ट लगेगा ये यहां पर गाड़ी के थ्रू होता हुआ आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा या फिर ट्रेन के थ्रू आएगा। तो अगर यहां पर जो गाड़ी या फिर ट्रेन चलाई जा रही है जो ऑयल से चल रही है तो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहां पर ये एक तरीके से जो यहां पर ये निकल के आ रहा है जो ये रॉ मटेरियल अगर यहां पर ले जाकर हम लोग इसको बेच रहे हैं तो सीधा सीधा यहां पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होती है आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनपोस्ट इनकी इनपुट कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी और वो कहां से चार्ज करेंगे इसको? ये चार्ज करेंगे कस्टमर से। यही कंडीशन यूएसए में देखने को मिलेगी और इसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको झेलना पड़ जाए। तो इसी के चलते वो स्टेप ऐसा उठा रहे हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। और ये देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका
इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हुतई कम्युनिटी के द्वारा क्लेम किया गया कि हमारे द्वारा यहां पर ये इस तरीके से अटैक कराया गया है। और यहां पर अगर बात की जाए, ये आप लोगों को कंडीशन ये देखने को मिलेगी कि हुतई जो कम्युनिटी है एक सिया कम्युनिटी है जो कि ईरान के द्वारा सपोर्ट की जाती है। और यहां पर यूएसए बोल रहा है कि ईरान रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि हुतई कम्युनिटी के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से आ गई कि हुतई कम्युनिटी ऐसा काम कर देगी। बाकी ईरान यहां पर सारी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर रहा है, ईरान यहां पर सारी सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहा है, वरना हुतई कम्युनिटी में आप लोग इतना दम नहीं बोल सकते कि हां हुतई कम्युनिटी में इतना दम है। अगर ट्रंप की माने तो ट्रंप देखिए यहां पर वो ईरान को फिर से ईरान न्यूक्लियर डील जो कि 2015 में साइन की गई थी और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में ये इससे बाहर निकल गए थे, वो फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील को। तो उसके बेस पर यहां पर ये ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं हर एक एंगल से। ईरान का जो रेस्पॉन्स है इसको लेकर वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक टाइम पर नॉर्थ कोरिया का रेस्पॉन्स था यूएसए को लेकर। जब भी यूएसए कुछ बोलता था तो नॉर्थ कोरिया बोलता था मेरे पास में मिसाइल है, ठीक है, तो यानी कि अगर तुम कुछ करोगे तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। और बार बार छोटे छोटे टेस्ट करता रहता था, ये बताता रहता था कि इतना एरिया आज के डेट मेरे कंट्रोल में है, यानी कि इतने एरिया पर मैं अटैक कर सकता हूं अमेरिका के। तो इससे क्या होता था, एक तरीके से एग्रेशन बनाए रखता था। कुछ ऐसे ही पैटर्न यहां पर फॉलो करके चल रहा है ईरान। ईरान भी कुछ ऐसी बातें बोल रहा है कि अगर आप लोग यहां पर हमारी जो पुरानी न्यूक्लियर डील है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपकी बात मानने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। तो इसी के साथ में ईरान जो है बार बार यहां पर जो हस्तक्षेप यानी कि एक तरीके से जो यहां पर इसके इंटरवीन किया जाता है उसको बार बार यहां पर एक तरीके से यूएसए को यहां पर बोलता है कि ये सही तरीका नहीं है और उसका रेस्पॉन्स के अपोजिट में जाकर बात करने से मना कर देता है। इसी के चलते सऊदी अरेबिया को भी बोला जा रहा है कि उसको रोक देना चाहिए, हॉल्ट कर देना चाहिए जो इंटरवीन यहां पर आज के डेट में कर रहा है ये हुतई कम्युनिटी के साथ में आज की डेट में यमन के अंदर, तो ये भी यहां पर इसको रोक देना चाहिए। और इसी के चलते यहां पर यूएन के ऊपर छोड़ देना चाहिए यूनाइटेड नेशन के कि वो कैसे इसका सोल्यूशन निकालता है, क्योंकि यूएन ही एक ऐसी बॉडी है जो कि सबके द्वारा सपोर्ट बॉडी है और वहां पर प्रॉपर वोट यानी कि डेमोक्रेटिक वे में इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। सऊदी अरेबिया के लेड यानी कि सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया गया था स्टार्टिंग में यूएसए और यूके के द्वारा, और इसी के साथ में और भी काफी लार्ज स्केल पर इसको सपोर्ट मिली थी पड़ोसी देशों से भी जब यहां पर इसके द्वारा अटैक किया गया यहां पर किसके अंदर, यमन के अंदर में। तो तब से लेके अब तक का यहां पर लगभग 3-4 साल हो चुके हैं और ये कंटिन्यूअसली चला हुआ आ रहा है, पर लेकिन अब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकला। बिल्कुल ऐसी कंडीशन बन गई है जैसे अफगानिस्तान में जब यूएसए ने एंट्री की थी 2001 में, तब से लेके आज तक का यूएसए घुटने के बल आ गया पर तालिबान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया और तालिबान बराबर अटैक कर रहा है। आज फिर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, आगे डिस्कस करूंगा, तालिबान के द्वारा एक और अटैक किया गया जिसमें अब जो यहां पर प्रेसिडेंट इलेक्शन के जस्ट थोड़े से पहले अभी यहां पर कंडीशन काफी खराब हो गई है अफगानिस्तान के अंदर में। तो सऊदी अरेबिया जो लेड कंपेन था यहां पर एक तरीके से वो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि फेल भी यहां पर हो चुका है। देखिए यहां पर राइटर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि जो सडन डिसरप्शन आप लोगों को ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई में देखने को मिला है ये किसी पर्टिकुलर एक रीजन की वजह से नहीं है, इसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन बताया गया यहां पर P5+1+ यूरोपियन यूनियन और ईरान के साथ मिलकर जो ईरान न्यूक्लियर डील थी ये डील जो है यहां पर ये ढंग से नहीं हो पा रही है, और जबकि प्रॉपर वे में यहां पर डिस्कशन करके ये डील साइन की गई थी। तो कहीं ना कहीं एक रीजन आप लोग बोल सकते हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है, तो उनकी वजह से यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। सऊदी अरेबिया का जो यहां पर एक गलत तरीके से इंटरवीन किया जा रहा है यमन के अंदर में, एक ये बहुत बड़ा रीजन है इसका। और तीसरा यहां पर जो एक तरीके से ईरान जो है वो एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है प्रोक्सी वार इन वेस्ट एशिया, क्योंकि देखिए ईरान को जब यहां पर एक तरीके से उसकी कंडीशन ऑलरेडी खराब हो चुकी है तो ईरान क्यों शांति में बैठे, क्योंकि गलती तो उसके द्वारा कुछ की नहीं गई थी, वो तो न्यूक्लियर डील फॉलो कर रहा था। जब एनालिसिस किया गया अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा, उनके द्वारा भी सीधा सीधा ये बोला गया कि ईरान की कोई गलती नहीं है। जब ईरान की कोई गलती है नहीं है तो ईरान तो सोचेगा कि भैया मुझे अब मेरी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, मेरी कंट्री के अंदर डिस्ट्रेस फैल रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, तो कम से कम कुछ तो रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो तभी तो यहां पर वही बात हो गई, अगर डोनाल्ड ट्रंप बात करने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के साथ में, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, वरना इसके साथ भी ऐसे ही किया जाता जैसा पास्ट में आप लोगों को देखने को मिला था लीबिया के साथ में किया गया था और इराक के साथ में किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पर तो यूएसए के जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा मतलब एक तरीके से कहानी खत्म कर दी गई वहां पर, अपना इस तरीके से वहां पर सप्रेस किया गया चीजों को, तो ये कंडीशन यहां पर बन सकती थी, पर लेकिन उनके पास में न्यूक्लियर वेपन है तो कहीं ना कहीं यही कंडीशन यहां पर ईरान क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सेवरल जो कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ने वाला है इन कंट्रीज के ऊपर। हमारी कंट्री की जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भी यहां पर देखिए कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे एक फियर देखने को मिलता है हमारी कंट्री में अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, क्योंकि हम मैक्सिमम लगभग अपना जो 80% से अबव जो हमारा क्रूड ऑयल है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो बाहर से करते हैं, हमारी कंट्री में फैसिलिटी ज्यादा नहीं है। और अर्मीको के ऑफिशियल के द्वारा हमको एश्योरेंस तो दे दिया गया है, पर लेकिन जो ऑयल प्राइस बढ़ेगा वो तो वो पैसा चार्ज करेंगे, ऑयल की सप्लाई नहीं रुकेगी पर प्राइस तो वो लेंगे ही लेंगे ना,
तो ये कंडीशन काफी खराब नजर आएगी। तो इसके चलते जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो ये है कि आने वाले टाइम में जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी तो वो काफी बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है, यानी कि 2/3 जो आज के डेट में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल अपना वेस्ट एशिया से, जहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगे। करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है ये आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, करेंसी डिप्रिशिएट और ज्यादा होगी, हमारी करेंसी डॉलर के कंपेयर में और ज्यादा नीचे आएगी, तो इससे हमारा जो इंपोर्ट है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा क्योंकि हम लोग डॉलर में यहां पर पे कर रहे हैं। अब डॉलर की वैल्यू अगर रुपए के कंपेयर में आप लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग वहां पर $50 दे रहे हैं, ठीक है, आज के डेट में अपना तेल खरीदने के लिए 50, तो चलिए थोड़ा सा कम वैल्यू लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम लोग $10, मान लीजिए हम लोग वेस्ट एशिया से $10 का तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो $10 देने का मतलब है हमारा आज के में मान लीजिए ₹70 हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि ₹700 का हम लोग तेल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये समझिए, अगर हम लोग यहां पर हमारे रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपेयर में, ये तब बता रहा हूं जब $1 की वैल्यू जो है वो ₹70 है, ठीक है, समझिएगा। अब $1 की वैल्यू बढ़कर मान लीजिए ₹80 हो गई, $1 इज इक्वल टू ₹80, ठीक है, तो ₹80 अगर डॉलर के कंपेयर में हो जाता है तो अभी हम लोग $10 का तेल खरीद के लेके आ रहे हैं, पर लेकिन अब हम लोग को ₹700 नहीं, अब हम लोग को ₹800 पे करने पड़ेंगे यहां पर, यानी कि ₹100 ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण है जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर रुपये की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्यों हम लोग को ज्यादा पैसा देना पड़ता है अपने इंपोर्ट के लिए। तो इसी की वजह से जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी और हमारी कंट्री में बजट बिगड़ जाएगा हमारी कंट्री का, और इसी के चलते यहां पर हायर फ्यूल कॉस्ट देखने को मिलेगी। अगर ये फ्यूल कॉस्ट ज्यादा होगी तो उसकी वजह से जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर आप लोग जम्मू और कश्मीर से अखरोट खरीद कर लेकर आते हैं और साउथ इंडिया में ले जाकर उसको बेचते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा, वहां पर महंगे अखरोट बेचे जाएंगे, इसकी वजह से जो स्लो डाउन होगा इकोनॉमी में, क्योंकि जब महंगाई होती है तो लोग जो है सामान खरीदना कम कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारे एक तरीके से कोरिलेटेड रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमी पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इसके चलते यहां पर हम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि देखिए, एक तो एक्साइज ड्यूटी जो है हम लोग वो कम कर सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा फायदा हो सकता है, कम से कम जो लोग हमारी कंट्री में जो तेल ले रहे हैं अगर उनके ऊपर हम लोग ड्यूटी कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं तेल की जो एक तरीके से जो ड्यूटी लगने की वजह से, अलग अलग टैक्स लगने की वजह से जो हमारी कंट्री में प्राइस बढ़ता है वो थोड़ा कम आ जाएगा, तो हम लोगों को भी यहां पर बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के चलते जो बात की जा रही है, इंडिया का इंटरेस्ट और भी कई सारे तरीके से हर्ट होगा यहां पर। यह पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, यह बब अल मंदे, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया कहां पर है, ये एक पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहां मैप में देखिए, ये है ऊपर सऊदी अरेबिया, यहां पर हो गया यमन, और यहां पर हो गया रेड सी, और यहां पर हो गया गल्फ ऑफ एडन, तो यहां पर है ये बब इल मंदेव, तो ये मंदेव जो है यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया यहां पर ये हो गया डिजिबिटी और यहां पर हो गया यमन, तो यमन और डिजिबिटी के बीच में स्टेट है जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है, तो ये पर्टिकुलर एरिया हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर एरिया यहां पर ये माना जा रहा है कि अगर ये ढंग से नहीं रहेगा तो हमारी कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी कंट्री के लिए यहां पर जो सप्लाई प्रोवाइड कराई जाती है, लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया, अभी मैंने बताया कि सेकंड सबसे ज्यादा जो सप्लाई करने वाला वो कौन है, सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया यहां पर इस कंडीशन में, और यमन में अगर शांति नहीं रहती है तो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट वे में इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में जो ड्रोन अटैक किया गया यहां पर, यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में काफी इंप्लीकेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर है इंडिया, ठीक है, अगर बात करते हैं थर्ड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर है और सऊदी अरेबिया सप्लाई करता है यहां पर नियरली 5th, हमारी कंट्री का जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 5th जो है यहां पर वो सऊदी अरेबिया से आता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सेकंड लार्जेस्ट हमको सप्लाई करने वाला है पर सऊदी अरेबिया की सप्लाई का 1/5 हम लोग लेते हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ, और थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में हम, तो सारे फैक्ट अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है सारों के साथ में, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो जहां भी कंफ्यूजन हुआ करे वहीं पे आप लोग के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वहीं पर ही रोको और वहीं पर रोक के फिर से एक बार सुन दो उसको वीडियो को, तो इस तरीके से आप लोग क्लैरिटी ले आया करो माइंड में, जितनी बार चाहो उतनी बार सुन सकते हो यार, कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही है, आराम से आप लोग अपने डाउट क्लियर करके आगे बढ़ा करो, ठीक है, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे अगर बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, अगर बात करें ऑयल प्राइस, अगर इंडिया का यहां पर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ऑयल प्राइस के बढ़ने की वजह से जो हमारा बिल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर बात की जा रही है ऑयल प्राइस इवन अगर $1 बढ़ता है तो एनुअल हमारा ऑयल बिल जो है वो $1.5 बिलियन बढ़ जाएगा, यानी कि ओनली अगर $1 यहां पर बढ़ता है ऑयल का प्राइस तो हमारी कंट्री पर उसका 1.5 बिलियन का इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में अगर बात की जाए, अगर 2018
2018-19 में जो हम लोगों ने तेल खरीदा, ये 112 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया हमारे द्वारा। तो ये इतना ह्यूज हमारा जो पैसा जाता है ये यहाँ पर ऑयल खरीदने में जाता है, जो क्रूड ऑयल जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये काफी बड़ी बात है। यहाँ पर इंडिया का जो डिफेंस है और इसी के साथ में जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखकर हम लोग को ये काउंटर मेजर कुछ ना कुछ लेने पड़ेंगे ताकि यहाँ पर इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर मान लीजिए हम लोग ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं और उनके ऊपर कोई अटैक करता है, ऑयल टैंकर के ऊपर उनको कोई लूट लेता है, तो वो भी प्रॉब्लम हम लोग को सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। तो ये भी काफी बड़ी एक प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। ये जो कंबाइन थे दो आर्टिकल, अभी थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है उसके ऊपर भी नजर डालूंगा। ये महेश सचदेवा जो फॉर्मर एम्बेसडर थे अल्जीरिया, नॉर्वे और नाइजीरिया, जो कि मेजर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री है, तो यहां पर इनके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जो थोड़ा सा पोर्शन बच गया है इस आर्टिकल का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये यहां पर बात कर रहा है यमन के बारे में। ठीक है, ये तो अब तक हमारा क्वेश्चन का आंसर था, बाकी ये भी आप लोग कहीं इंक्लूड करना चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ बातें यहां पर देख लेते हैं। यमन जो है वो एक तरीके से साउथ वेस्ट कॉर्नर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी अरेबियन पेनिनसुला में, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला ये पूरा हो गया यहां पर ये वाला, और यहां पर यमन ये है, यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया यमन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यमन जो है यहां पर नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, पर नॉर्दर्न और जो सदर्न यमन है वो यहां पर अलग अलग है। नॉर्दर्न जो यमन है वो हिली एरिया है, फर्टाइल एरिया है, यानी कि अच्छा खासा वहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलेगी और ऑयल रिजर्व देखने को मिलेगा। सदर्न जो यमन है वो मोस्टली डेजर्ट वाला एरिया है, यानी कि मरुस्थलीकरण आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। पॉपुलेशन जो है 27 मिलियन के करीब है, जो कि मैक्सिमम नॉर्थ वाले एरिया में रहती है क्योंकि हिली एरिया है, फर्टाइल एरिया है और ऑयल रिजर्व है। अगर GDP की बात करें यहां पर, तो यहां पर बात की जा रही है 944 यानी कि $944 यहां पर इसकी पर कैपिटा GDP है, जो कि लेस देन हाफ है हमारी कंट्री के। तो आप लोग डबल कर लीजिए, लगभग आप लोग वो हमारी कंट्री की आ जाएगी। अगर बात करें यहां पर कंट्री में ट्राइबल सोसाइटी लोगों को देखने को मिलती है पर्टिकुलर एरिया में, जो सदन की बात यहां पर की जाती है। अगर बात करें यहां पर ऑलमोस्ट ऑल जो यमनीज है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, खासकर नॉर्दर्न एरिया में। और अगर बात करें यहां पर मोस्टली ये है जैदी, जो कि खासकर सिया कम्युनिटी के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं ईरान के अंदर। इसीलिए जो हुतई कम्युनिटी आप लोगों ने देखा होगा यहां पर ईरान के द्वारा सपोर्ट की जाती है। और अगर बात करें मोस्टली जो सदन पार्ट है वो यहां पर सुन्नी कम्युनिटी का है, जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेजोरिटी सिटीजन जो है वो यहां पर इनसे कनेक्ट करते हैं। कोलोनाइज किया गया ब्रिटेन के द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए सी रूट को, ताकि सी रूट को प्रोटेक्ट किया जा सके और इंडिया के साथ में जो ब्रिटेन है उसकी कनेक्टिविटी बनाई जा सके। आप लोगों को पता है यहां से होते हुए ये जो सी रूट यहां से खोजा गया, ये देखिए आप लोग यहां पर पहले जो होता था इंडिया के साथ में जो यहां पर व्यापार किया करता था यूरोपियन कंट्री, वो यहां से होकर जाया करते थी, जो कि काफी लंबा रास्ता लगा करता था। पर लेकिन उसके बाद में फिर इन्होंने जो अपना ये रास्ता था ये इन्होंने यहां से लाना स्टार्ट कर दिया, तो काफी कम रास्ता हो गया। पर लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया को जो यहां पर जो रिबेल जो ग्रुप है उसको कंट्रोल करने की बात आ गई, तो उसको कंट्रोल किया गया यहां पर अंग्रेजों के द्वारा उस टाइम पर, ताकि लिंक जो है इंडिया के साथ में उनका कनेक्ट किया जा सके अच्छे से। और अगर साउथ यमन की बात करें, उनका भी अच्छा खासा लिंक रहा है हमारी कंट्री के साथ में, यानी कि ऑफ हैदराबाद के साथ में काफी अच्छा लिंक इनका रहा है, क्योंकि कई बार जहां से ट्रूप्स थे उनके ऊपर अलाई करते थे, खासकर यहां पर यह हद हरामुत रीजन, जो कि सदन ये अरेबिया वाला जो रीजन है उसको बोला जाता है पर्टिकुलर रीजन। इसी के साथ में जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो फाउंडर है धीरू भाई अंबानी जी, उनके द्वारा अपना करियर जो कैपिटल अदन है यहां पर इसी से स्टार्ट किया गया था, जो कि यमन के अंदर से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया के द्वारा जो लेड कोएलिशन है उसके द्वारा ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म चलाया गया यहां पर अगेंस्ट हुतई कम्युनिटी 2015 में, और 2019 में आज के डेट में हम लोग खड़े हुए हैं और कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एरियल बम्बार्डमेंट किया गया, बिल्कुल वही ने कालर सीधे खड़े करके इनके द्वारा सोचा गया कि जाएंगे और जैसे जाएंगे वैसे वापसी आ जाएंगे, पर लेकिन गए तो गए, पर लेकिन आईने वो नहीं कहा कि चले जाते हैं, पर लेकिन बाद में खबर आती है, तो चले तो गए पर बाद में खबर ही आ रही है कि सब फंसे रह गए वहां पर। तो यही कंडीशन देखने को मिल रही है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी यहां पर डिस्क्राइब किया गया कि जो यमन वार है आज के में वो वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफिक जो एक तरीके से रीजन यहां पर बन चुका है। तो इसी के चलते लगभग 11,000 लोगों की जान जा चुकी है तब से लेकर अब तक, और 3 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए, यानी कि एरिया छोड़कर जा चुके हैं। और इसी के साथ में जो सऊदी अरेबिया जो लेड यहां पर कोएलिशन थी जैसे UAE वो भी यहां पर इससे बाहर हट चुकी है। सऊदी अरेबिया अपनी इज्जत बचाने के लिए लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अफगानिस्तान में यूएसए अपनी इज्जत बचाने के लिए लगा हुआ है। तो ये कंडीशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी देखिए आंसर लिखिए कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग अगर कोई फेसबुक पर नहीं है कम से कम उसके साथ में आप लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में भी आंसर पेस्ट कर सकते हैं। वैसे आप लोग आंसर एक दूसरे का रिव्यू जरूर किया कीजिए, बहुत शानदार आंसर लिखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर लिखे जा रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को कंटिन्यू करते रहना है आंसर को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आंसर राइटिंग ग्रुप को। तो आगे बात करते हैं मिजल के बारे में, बात करते हैं जिसको रिबोला के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके से ड्राई कफ रनी नोइस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और रस स्किन आप लोगों को ऐसी देखने को
मिलेगी, यहाँ पर रेड रेड ये चिट्टे टाइप के आप लोगों की बॉडी पर देखने को मिलने लगेंगे। ये वायरल इन्फेक्शन है यहाँ पर जो कि कई बार बच्चों में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, यानी कि आसानी से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योर तक पहुंचने से पहले पहले यहाँ पर इसको आसानी से रोका जा सकता है। पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पर वही कंडीशन हो गई, अगर बोले कि दवाई के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फिर तो ये डिजीज और ज्यादा बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल वही है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं और आप बोलो कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, हमको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आप लोग अगर पढ़ाई के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे क्लियर होकर आप लोग आओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर आज के में क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे में आते हैं जब भी आप लोग एग्जाम क्लियर करके आते हैं, तो क्यों, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट करें इस चीज के ऊपर कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर मैं ऐसा पढ़ाना स्टार्ट कर दूं कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर बस वही बताना स्टार्ट कर दूं आप लोगों को जो आर्टिकल में दे रखा है उसको कोई मतलब ही नहीं जाएगा, न्यूज़पेपर तो आप लोग पढ़ लेंगे। मेरा मतलब क्या है यहाँ पर होने का, मेरा मतलब है कि मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ढंग से पढ़ाया जाए। पर लेकिन अगर आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो क्या मतलब उसका रह जाएगा। तो यही बात है, अगर दवाई कोई दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा, कोई मेडिसिन दी जा रही है और आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। यही कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से ये बीमारी है ये फैल रही है, हेल्थ का इशू काफी बड़ा निकल कर आ रहा है। 30% इंक्रीज देखने को मिला है मिजल में रिसेंटली, अभी जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया 2019 में अभी रिसेंटली। रीजन क्या है, ये वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि दवाई अवेलेबल तो है पर लेकिन दवाई जो है उसको लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। अलग अलग रीजन बता रहे हैं, कुछ मिसकंसेप्शन यहां पर सोसाइटी में फैल गए, तो उसकी वजह से पब्लिक जो हेल्थ है वो और ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। जो मिजल के केस है 2018 में, ये 3,65,000 केसेस यहां पर देखने को मिले, रिपोर्ट किए गए 182 कंट्री में, और जो कि लगभग लास्ट 6 महीने के अंदर अंदर कई सारी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, लगभग 900% का इंक्रीमेंट देखने को मिला कंपेयर टू इसी साल में। अगर पास्ट में आप लोग कंपेयर करते हैं WHO के हिसाब से, ये अफ्रीकन रीजन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर और नाइजीरिया, यानी कि जो पर्टिकुलर रीजन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो एरिया आप लोग देखेंगे यहां पर, जिस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं, ये कोंगो हो गया। ठीक है, बाकी अगर बात करें ये पर्टिकुलर, देखिए यहां पर ये हो गया ये नाइजीरिया वाला रीजन, और ये हो गया यहां पर मेडागास्कर। इस तरीके से ये पर्टिकुलर रीजन में यहां पर काफी प्रॉब्लम निकल कर आई, क्योंकि रीजन क्या था, लोग जो थे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। ट्रस्ट न करने के मामले में क्या क्या कंडीशन निकल कर आ रही है, यूरोपियन रीजन में भी लगभग 90,000 केसेज देखने को मिले, जो कि एक डेवलप्ड रीजन माना जाता है, इसका मतलब वो भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। यूरोपियन में यहां पर कई सारे एक एनालिसिस किया गया तो बातें ये निकल कर आई कि जो इन्फेक्शियस जो डिजीज है वो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर फैल, और 1,00,000 यहां पर 74,000 केसेस लगभग 53 कंट्री में से 49 कंट्री में देखने को मिले 2018 से लेकर 19 के बीच में। ठीक है, ये पास्ट 6 मंथ के हैं, कभी ये बोलने लगोगे यहां पर 90,000 बता दे और यहां पर ये बताया जा रहा है, ये पास्ट 6 मंथ के यहां पर है और यहां पर ये अलग से डेटा निकाला जा रहा है। ये पर्टिकुलर यूरोपियन रीजन की बात की जा रही है और ये और पूरा जो रीजन है यहां पर उसको काउंट कर देखने की कोशिश की जा रही है, खासकर वो रीजन जिसको पहले यहां पर मिजल, जो यहां पर मिजल से फ्री बता दिया गया था, जैसे यूके हो गया, ग्रीस हो गया, चीज रिपब्लिक हो गया और अल्बेनिया हो गया, ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जो यहां पर प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, ये इसका एलिमिनेशन स्टेटस हो गया, जो कि यहां पर इसको मिजल फ्री कंट्री बोला जाता था। यूके, ग्रीस, यहां पर चीज रिपब्लिक और इसी के साथ में अल्बेनिया, ये कंट्री वो है जिनको मिजल फ्री बता दिया गया था, पर रिसेंटली अभी लास्ट मंथ ये स्टेटस इनका छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। मार्च 2019 में रिपोर्ट आई, इसमें ये बोला गया 52% जो रेस्पॉन्ड वो बोलते हैं यहाँ पर 28 यूरोपियन मेंबर कि यहाँ पर वैक्सीन जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली इफेक्टिव है और डिजीज को यहाँ पर रोकती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 50% लोग ये कहते हैं कि दवाई ठीक है और सही से काम कर रही है। 33% लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबली इफेक्टिव है, यानी कि पूरा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। 48% यहाँ पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है ये सीरियस साइड इफेक्ट इसको देखने को मिल रहे हैं। 38% लोग ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल में कॉजेज जो है डिजीज वो इस दवाई की वजह से और ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि दवाई ठीक नहीं कर रही है, ये और ज्यादा बीमारी को बढ़ा रही है। और कुछ ऐसी ही कंडीशन हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री में क्या बातें की जा रही है, हमारी कंट्री में स्टडी की गई 2018 में, तो बोला गया 45% जो चिल्ड्रन है वो आज के में वो यहां पर इसकी वजह से यहां पर लगभग 121 जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट है वो हायर रेट ऑफ अनइम्यूनाइजेशन देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से ये बीमारी और ज्यादा बढ़ रही है। 24% यहां पर जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि इसकी वजह से जो इफेक्ट है वो यहां पर काफी लार्ज पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो काफी लार्ज पड़ रहा है, यानी कि एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी कि दवाई लेने की वजह से जो बीमारी है वो और ज्यादा बढ़ रही है। तो इसके चलते यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इस फील्ड में हम लोगों को काम करना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया का काफी बड़ा रोल होता है। मैं सोशल मीडिया पर डेली फेसबुक के आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूं, वहां पर कुछ तो पढ़ाई के रिलेटेड होती है, कुछ यहां पर मोटिवेशनल कोट होती है और कुछ उसमें जोक्स भी होते हैं जो कि आप लोगों को एक तरह से एंटरटेन करने का काम करते हैं। अगर
मैं वहां पे कुछ ऐसे र्यूमर फैलाने लगूं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कि हाँ ये गलत हो रहा है और वो गलत हो रहा है, और आप लोग बिना उसको चेक किया आप लोग ट्रस्ट करते हैं जिस तरीके से, आप लोग उसको शेयर भी करने लगे, तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा र्यूमर फैलेगा। इसी तरीके से अगर कुछ अच्छी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, आप जैसे अभी एक पिक्चर शेयर की थी मैंने कि किस तरीके से जो मोर है हमारी कंट्री में उनके जो पंख है वो बेचे जा रहे हैं मार्केट में, और उसकी वजह से जो मोर के पंख की वजह से यहां पर जो मोर की संख्या वो घटती जा रही है, तो वो लगभग 1500 लोगों के से भी ज्यादा लोगों के द्वारा शेयर किया गया। तो ये जो क्या हुआ, वो इतने ज्यादा लोगों के द्वारा शेयर किया गया और वो इतने ज्यादा लोगों तक पहुंचा होगा कि आगे से लोग क्या करेंगे, मोर के जो पंख है वो खरीदना बंद कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, एक सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी बात हो गई। तो देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग को अच्छी तरीके से यूज करना है उसको या गलत तरीके से यूज करना है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि सोसाइटी के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सोसाइटी को फायदा पहुंचाएगी, तो आप लोग उसे अच्छे से शेयर कर रहे हैं और काफी अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग इतना बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट वहां पर करते हैं। तो ये क्या रीजन है, ये रीजन है कि अच्छा काम भी हम लोग कर सकते हैं, पर लेकिन ज्यादातर लोग कहां पर इंडल जाए, बुरे कामों में इंडल जाए, तो वहां पर किसी के बारे में र्यूमर फैलाना, गलत र्यूमर, गलत चीजें फैलाना, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो मिजल्स की जो बीमारी की जो दवाई है उसके बारे में ऐसे र्यूमर फैलाए गए हैं, अब सही भी यहां पर सोशल मीडिया के थ्रू इसको किया जाएगा क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर लोग जो है वो एक्टिव है सोशल मीडिया। मीजल्स जो है वो आज के डेट में वो लाइफ लॉन्ग यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाली जो वैक्सीन है इसकी, अगर इसको नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चों को भी काफी इंफेक्शन देखने को मिलेगा और मोर्टेलिटी बढ़ेगी, यहां पर लोगों की जान जाएगी काफी लार्ज स्केल पर। तो इसी के चलते जो मीजल वायरस है वो हमारा किल कर देता है इम्यून सेल को, जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, अगर कोई बीमारी हो रही है तो आप लोगों की बॉडी उसके साथ में लड़ती है, पर लेकिन अगर आप लोगों की बॉडी लड़ने लायक नहीं रहेगी तो इसका मतलब इम्यून सिस्टम बर्बाद हो गया है। इम्यून सिस्टम मेंटेन कैसे रहता है, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो और अच्छी डाइट लो, तो ये आप लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा रखेगी, आप लोग बीमार जो है वो बहुत कम पड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, नींद में कटौती कर देते हैं, जैसे ये हरकत मैं काफी करता हूं, मैं क्या करता हूं कई बार अपनी नींद में कटौती कर लेता हूं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कम से कम अपना एक पैटर्न सेट रखिए, बिजी शेड्यूल रहता है वो सबको पता है, सबका रहता है, पर लेकिन कई बार ये सिचुएशन हो जाती है, हाँ एक काम करना है अगर कभी एक दो दिन चल जाता है वीक में, पर लेकिन अगर आप लोग रेगुलर उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि मेरी आदत बन चुकी है आज की डेट में, मैं इसको सही करने की कोशिश कर रहा हूं पर लेकिन टाइम निकाल ही नहीं पाता हूं, इतना ज्यादा वो रह जाता है, मतलब पूरा बिजी शेड्यूल रहता है, तो ये कंडीशन मुझे हैम्पर कर रही है आज की डेट में। तो ये क्या है, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल बिगड़ रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर मैं प्रॉपर वे में कम से कम 5 से 6 घंटे नींद लेनी स्टार्ट करूं आराम से उठकर और अपना फिर प्रॉपर फ्रेश फील करूं, तो फिर और अच्छे तरीके से यहां पर चीजें मैं अपनी कर पाऊंगा, पर लेकिन कई बार इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके वजह से ये सोचता हूं कि यहां से टाइम निकल जाए, वहां से टाइम निकल जाए, पर लेकिन कई बार टाइम नहीं निकल पाता है, तो ये कंडीशन बन जाती है। तो फिर भी चीजें ये होती है कि ये हमारी हेल्थ का ध्यान हम ही को रखना है, अब कोई और आकर तो मेरा ध्यान रखेगा नहीं कि मुझे क्या क्या करना है, कोई और आकर तो मुझे खाना नहीं खिलाएगा, मुझे पानी नहीं पिलाएगा, मुझे सुलाएगा नहीं, ये सारे काम मुझे ही करने हैं, तो हमको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, तो आधे से ज्यादा कंट्रोल हम लोग चीजें वैसे कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये आप लोग चीजें ध्यान रखिए, तो इसी के चलते आप लोग कम से कम एक्सरसाइज जरूर करिए। देखिए मैं सोता भले ही कम हूं पर लेकिन एक्सरसाइज डेली करता हूं, ठीक है, सोने में थोड़ी कटौती कर लेता हूं पर लेकिन एक्सरसाइज नहीं छोड़ता हूं, तो एक्सरसाइज आप लोग कंटिन्यू रखिए, ये आप लोग के इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखेगी, और यही रीजन है कि कम सोने की वजह से वरना अब तक कब का बीमार पड़ चुका होता, कम सोते हुए भी मैं अपने आपको फिट रख पा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग चीजें कीजिए कि किस तरीके से अपने आपको टैकल करके आप लोगों को चलना है, ये चीजें आप लोग भी देखिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात की जा रही है पाइप ड्रीम्स के बारे में, ग्राउंड रियलिटी के बारे में, यानी कि एक तरीके से पाइप वाटर प्रोवाइड कराने के लिए हमारी कंट्री में जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया। जल जीवन मिशन का टारगेट ये रखा गया कि 2024 तक सबके घर पाइप वाटर पहुंचाना है। देखिए आज के डेट में जो ग्राउंड लेवल पानी है वो काफी नीचे जाता जा रहा है और जो बचा हुआ है वो भी खराब होता जा रहा है, इसीलिए लोग जो है आरओ का यूज करें। रीजन बेसिकली यही है कि सही पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी की वजह से बहुत सारी यहां पर बीमारी देखने को मिलती है, तो जो डिमांड और सप्लाई है उसके बीच में मैनेजमेंट किया जाएगा खासकर लोकल लेवल पर, और इसी के साथ में जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेगी और क्रिएट किया जाएगा ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जा सके और ग्राउंड टेबल को रिचार्ज किया जा सके और मैनेज किया जा सके हाउस होल्ड का जो वाटर है उसको भी। तो ये जल जीवन मिशन के टारगेट है, तो 4 टारगेट है जो बेसिकली अभी फिलहाल जो बड़े बड़े उनको याद रखते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में कुछ लिखने को आ जाए तो ये 4 बातें आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा बोला गया ऑल रूरल हाउसहोल्ड जो है 2024 तक उनको जल जीवन मिशन के तहत पाइप वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि टंकी का पानी सबके घर पहुंच जाएगा। ये एक तो कॉस्टली है और दूसरा व्यर्थ भी है, यहां पर जितना 70% जो इंडियन जो सरफेस वाटर आज के डेट में वो आज के डेट में रिवर और लेक्स में देखने को मिलेगा, तो उसके चलते जो ग्राउंड वाटर रीजन है वो जो पोल्यूटेड होता जा रहा है, आप लोगों को उसको यहां पर जो पोल्यूशन हो रहा है वो बचाना पड़ेगा। देखिए एक तो है आप लोग पाइप के थ्रू वाटर पहुंचा रहे हैं, एक है कि ग्राउंड लेवल आप लोग रिचार्ज कर रहे हैं ढंग से और लोगों के पास में आराम से पानी पहुंच रहा है, एक है कि आप लोगों को पहुंचाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तो है कि मैं आप लोगों के सबके घर आऊं और आप लोग आकर आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कर जाऊं, एक है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया हमारी स्टडी लवर वीर फैमिली, इसमें आप लोग सब बैठकर आराम से
पढ़ सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं और यहां से पढ़ने के बाद में दूसरों को पढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका ज्यादा सस्ता है, या मैं सबके घर पे जाऊं या फिर आप लोगों को कोई एक कोचिंग सेंटर खोल के वहां पर सबको बुलाऊं, तो आप लोगों को वहां पर आने जाने का टाइम लगेगा, आप लोगों का पैसा खर्च होगा, और जब मैं वहां पर एक कोचिंग बनाकर पढ़ाऊंगा बैठा कर तो वहां फिर मुझे भी वहां पर अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो क्यों ना सस्ता इलाज देखिए, जहां पर लोगों को भी पैसे ना देने पड़े और आप लोगों को भी अपना जो लेक्चर है वो डिलीवर करने में प्रॉब्लम ना हो, यानी कि लोगों को भी पैसे बच जाए, आप लोगों का टाइम बच जाए और पैसे बच जाए और सबको एक अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मिल जाए। तो ये बेसिक फैसिलिटी यहां पर आप लोग इसके साथ में कंपेयर करके देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है, तो उसके लिए कई सारी बातें हैं। सबसे पहले तो आज के दिन देखने को मिल रहा है कि सरफेस जो ग्राउंड वाटर है वो अनफिट होता जा रहा है यहां पर डोमेस्टिक यूज के लिए, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं बच रहा है। इसकी वजह से जो रिवर्स ओस्मोसिस जिसको आप लोग आरओ बोलते हैं, ये यहां पर सब घरों में यूज किया जा रहा है आज की डेट में। पर लेकिन वो तो सही है जो खरीद लेते हैं ये, पर लेकिन जो लोग हैं खासकर जिनके पास पैसा नहीं है, खासकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना डे बाय डे का खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं, वो क्या करेंगे, वो तो यही पानी पीकर काम चलाते हैं ना, तो उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जो अनपोल्यूटेड वाटर है एक तो वो बचाओ, यानी कि कहने का मतलब ये है पहले जो चीज आप लोगों के पास में सही है उसको सही करो और उसको मेंटेन रखो, उसको खराब मत करो। अब बाकी जो खराब हो चुका है उसको सही करने की कोशिश करो, तो सीधी सीधी बात ही होगी यहाँ पर। तो करना क्या है, जो अनपोल्यूटेड वाटर है पहले तो उसको सेव करो। जो आज की डेट में अगर आप लोग यहाँ पर अगर हमारी कंट्री में देखा जाए, अगर अनहेल्दी और एक्सपेंसिव आरओ की बात की जाए तो सब उसको यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अनहेल्दी बीमार हो जाएंगे तो तब बीमारी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आरओ वैसे एक्सपेंसिव है वैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो यहां पर फूड जो यहां पर बात की जा रही है, फ्लड प्लेन जो है, खासकर जो रिवर है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर गंगा रिवर है, तो जहां जहां से गंगा रिवर होकर जाती है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आसानी से आप लोग नल लगाकर वहां पर पानी निकाल सकते हैं क्योंकि वाटर टेबल काफी ऊपर होता है। आप लोग अपने एरिया में देखेगा, अगर आप लोगों के पास में कोई रिवर नहीं है, कोई नहर नहीं है, कोई तालाब नहीं है, तो आप लोग का एरिया का जो पानी वाटर टेबल है वो काफी नीचे होगा। जाकर चेक कीजिएगा और बताइएगा कि क्या है आप लोग के एरिया में वाटर टेबल, आप लोगों को पता भी होना चाहिए अपने लोकल एरिया का वाटर टेबल क्या है। बात करें यहां पर नेचुरल मिनरल वाटर की बात की जाए, तो यहां पर फॉरेस्ट अगर बात की जाए, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो वहां पर भी आप लोगों को ड्रिंकिंग वाटर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट है वहां पर जो पानी होगा वो भी अब तक पॉल्यूटेड नहीं हुआ है, अगर वहां पर कोई माइनिंग वगैरह नहीं की जा रही है। तो इसीलिए जैसे हम लोगों ने अपनी पीआईबी वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अभी तेलंगाना के द्वारा जो यूरेनियम का जो वहां पर जो यूरेनियम जो वहां से निकालने की बात की जा रही थी उसको रोकने के लिए अभी असेंबली में यहां पर एक सपोर्ट पास की गई है, ताकि वो ग्राउंड लेवल पे जो वहां पर उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की बात की जा रही है वहां पर पोल्यूट ना हो और एक तरीके से वहां पर एक तरीके से लोगों को जो पीने का पानी मिलता रहे, और हैदराबाद भी काफी डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, तो वो कंडीशन भी देखने को यहां पर मिल जाती है। हालांकि काफी सारा एरिया ऐसा है जो कि आज के डेट में प्रोटेक्टेड है, तो जो प्रोटेक्टेड एरिया उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट कीजिए और बाकी जो खराब हो चुका है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं और ये राइटर बोल रहे हैं यहां पर, ये नोबेल प्राइज विनर जो पर्सनालिटी है वो भी यहां पर ऐसी ही बातें बोल रहे हैं। तो दो पर्सनालिटी का नाम यहां पर दे रखा है, एक है एजी लेगट और दूसरा यहां पर रिनाउंड जो साइंटिस्ट है हमारी कंट्री के एमएस स्वामीनाथन, इनके द्वारा यहां पर बोला गया कि जो आप लोग का फ्लड प्लेन है कम से कम उसको आप लोग प्रोटेक्ट रखने की कोशिश कीजिए। यमुना जो बात की जा रही है यहां पर अभी रिसेंटली दिल्ली की स्कीम है यहां पर 2009 में स्टार्ट की गई थी, यमुना पाला फ्लड प्लेन, यानी कि जो फ्लड प्लेन है उसको प्रोटेक्ट करो, और इसी के चलते ये यहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा, जिसके चलते मिलियंस ऑफ दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं उनको पानी प्रोवाइड यहां पर किया जा रहा है, और इसी के चलते ये इसकी बात नहीं, जहां जहां पर भी आप लोग नदी देखेंगे, वाराणसी की बात कर लीजिए, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, मोस्ट ऑफ टाउन इन बिहार, क्योंकि वहां पर रिवर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल, कटक, भुवनेश्वर, इसी के साथ में अमरावती, विजयवाड़ा, और ये सारे जो एरिया आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, यहां पर बात की जा रही है राजमुंदेरी और इसी के साथ में सिटी जो तमिलनाडु की है, ये सारी मैक्सिमम वो सिटी है जो कुछ खास तो कोस्टल एरिया पर देखने को मिलती है और कुछ जो रिवर होती जाती है। इसमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो आप लोगों की सिटी का नाम आए, किसी का जिसमें से आप लोग रहते हैं, आप लोगों की सिटी का नाम आए यहां पर, जिसके जो यहां पर ये सारी सिटी दी गई है, तो कितने लोग हैं जो इन सिटीज में रहते हैं, तो वो बता सकते हैं कि उनके एरिया में वाटर टेबल क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में। और हां, एक बात मैंने आप लोग कल नैनो मैगजीन में बोली थी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये आप लोग माहौल बना सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एक आप लोग एक ऐसा कमेंट बॉक्स बना सकते हैं जहां पर आप लोग कुछ सीधे डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप लोग प्रीलिम से क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं यहां पर, एक दूसरे के आंसर यहां पर आप लोग दे सकते हैं, यहां पर आप लोग एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बना सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप जो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मान लीजिए डेली अगर एक क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेली आप लोग को अकेले कोई पोस्ट करना है, आज पोस्ट कर दिया अपना टाइम लगा लीजिए कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे एक क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन जो आप लोग पोस्ट करेंगे उस क्वेश्चन को आप लोग कभी नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से डेली आप लोग कर सकते हैं, डेली 10 क्वेश्चन मैं आप लोग डिस्कस कराता ही कराता हूं, कुछ
कुछ आप लोग कीजिए, कुछ मैं करूंगा, तो मिलकर बहुत अच्छे हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग काम करके चलना है, ठीक है। और इसी के साथ में एक बच्चे ने बोला कि सर आप डेली बोलते हो शेयर करने के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि डेली हर एक बच्चे को शेयर करना है। देखिए आप लोग कुछ लोग हैं, जैसे एक बच्चा, एक दो तीन बच्चे ऐसे जो मैंने देखे हैं जो डेली फेसबुक पर डालते एकदम जो हिंदू की वीडियो है डेली एकदम शेयर करते हैं, हिंदू की क्या सारी वीडियो शेयर करते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डेली ही शेयर करनी है आप लोगों, मतलब बांध लीजिए कि वीक में कम से कम एक या दो बार शेयर कर दीजिए आप लोग, यानी कि अपना कह लीजिए कि हां वीक में मैं दो बार शेयर करूंगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, या फिर वीक में मैं दो बच्चों को पढ़ाऊंगा, तीन बच्चों को पढ़ाऊंगा, या फिर दस लोगों को बताऊंगा कि हां इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हम आराम से चीजें भी बढ़ा पाएंगे और एक तरीके से अच्छे लेवल की हम लोग पढ़ाई भी कर पाएंगे, ठीक है, और एक एक अच्छा माहौल बना पाएंगे। तो ऐसे आप लोग काम करके चलिए, ठीक है। इससे आप लोगों को भी फायदा देखने को मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा। मान लीजिए अगर अगर 100 बच्चे भी, जैसे वहां पर फेसबुक पर जो आंसर आप लोग लिख रहे हैं वहां पर दुनिया भर के आंसर पोस्ट कर रहे हैं, अगर 100 बच्चे भी डेली 100 क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो समझिए आप लोग का एक यूपीएससी क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया डेली, तो कैसा रहेगा। पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, पार्टिसिपेट करने की। अब मैं तो पार्टिसिपेट करते रहता हूं, पर आप लोग की साइड से जब पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से अंदर से दिखता है कि मतलब मैं ही अकेला मेहनत किया जा रहा हूं। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, जैसे चीजों को शेयर कीजिए, क्वेश्चन नीचे पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ग्रुप में भी क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। कई बच्चे ऐसे रेगुलर क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं वहां पर, आप लोग भी क्वेश्चन पोस्ट करिए। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, खुद को अपने उस लेवल पर आप लोग को लेकर आना है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं अनपोल्यूटेड जो वाटर है कम से कम उसको आप लोग सेव कीजिए, और ऑल जो सिटीज हैं आज के डेट में जो वेस्टर्न घाट में आप लोग देखते हैं वहां पर भी आप लोग देखते हैं काफी लार्ज स्केल पर इस तरीके से जो हाईएस्ट जो इंटरनेशनल क्वालिटी के लेवल का पानी देखने को मिलता है, जो कि पीने लायक पानी है। तो ये का क्या फायदा होता है, यहां पर ये फॉरेस्ट वाला एरिया जो है वहां पर कहीं ना कहीं उसको रिचार्ज कर देता है, तो इसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग बात करें फ्रंट प्लेन एक्वीफर के बारे में, तो ये भी आप लोग भेज सकते हैं यहां पर। रिवर, जो रिवर का जो लेवल है वो काफी आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा, पर लेकिन कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो पानी को हम लोगों को खराब होने से बचाना है, ये आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें आगे बात करें, अगर स्टेबल वाटर लेवल की बात की जाए, तो ये पर्टिकुलर एक्वीफर जो है वो तभी स्टेबल रहेगा अगर हम लोग वहां पर पानी बरसता है और उसको हम लोग रख पा रहे हैं, वरना वो समुद्र में बहकर चला जाता है। डिक्लेयर किया जाए जो फ्लड, जैसे यहाँ ये काफी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर बोला गया कि फ्लड प्लेन को भी, यहां पर जैसे फ्लड प्लेन और फॉरेस्ट जो एक्वीफर है उनको वाटर सेंचुरी डिक्लेयर कर दो, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ही कर सकते हैं ताकि वहां पर कोई माइनिंग वगैरह ना करे, जाकर उल्टी सीधी हरकतें ना करें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक तरीके से ये जो जो प्राकृतिक का जो नेचर का ये अमेजिंग गिफ्ट है हमारे पास में, इसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, वरना जो खराब हो चुका है ऑलरेडी और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो विक्रम सोनी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया जो कि जामिया मिलिया और जेएनयू यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल फ्रेंडली एक तरीके से फूड के बारे में। अगर आप लोग देखें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज के दिन में क्या कर रहे हैं हम लोग, आज के दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मुर्गे पाल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जानवर पाल रहे हैं। देखिए जो जानवर हम लोग दूध के लिए पाल रहे हैं वो तो चलिए समझ में आता है, पर लेकिन जो जानवर हम लोग पाल रहे हैं जैसे मुर्गा हो गया, बकरी हो गया, ये सारे जो जानवर जैसे कि पिग्स हो गए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको खाना खिला रहे हैं और इनको खाना खिलाकर इनको पाल रहे हैं, और इनको पालने के बाद फिर हम लोग इनको खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट वे में। अगर जो खाना हम लोग इनको खिला रहे हैं वो खाना अगर हम लोग खुद ही खा लें तो कैसा रहेगा, यानी कि जानवरों को खिलाकर उनको पाला जा रहा है और फिर जानवरों को हम लोग खा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में डबल मेहनत कर रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर एक एनालिसिस किया गया जो कि काफी अच्छा लगा और आप लोगों को भी कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। इंडियन की जो पॉपुलेशन है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रही है और पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले टाइम में अगर इसी पैटर्न पर हम लोग चलते रहे तो फायदा नहीं हो पाएगा। अगर बात करें आज के दिन में वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बात करें 2050 तक लगभग 10 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, और इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबको खाना मिल पाए, यानी कि फूड सिक्योरिटी खतरे में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अमेज़न के फॉरेस्ट में आग लगाई गई किसके द्वारा, जो वहां पर पशुपालक थे और लकड़हारे थे जिनको लकड़ी की जरूरत थी उनके द्वारा अपने पशु को चराने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट कटेंगे तो घास उगेगी और घास उगेगी वहां पर तो अपने पशु को चरा पाएंगे वहां पर। तो लगभग जो यहां पर जो कैटल रेंचिंग करने वाले यहां पर ये लगभग 80% यहां पर डिस्ट्रक्शन अमेज़न फॉरेस्ट इन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो अपने पशु को वहां पर चराना चाहते हैं और लकड़हारे लकड़ी काटना चाहते हैं उसको बेचना चाहते हैं। तो ये दोनों तरीके से, और वहां से अगर फॉरेस्ट कट गए और लकड़ी वहां से निकल गई फिर इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो एक इकोसिस्टम बन गया है सबका, जैसे इकोसिस्टम वाला मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आज की जो आप लोगों की जो कल वीडियो आएगी मॉर्निंग में उसमें एक इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो यहां पर बात की जाती है इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो क्वेश्चन क्या है इकोसिस्टम का,
कि जहां पर बायोटिक और एबायोटिक जो यहां पर कंपोनेंट है दोनों देखने को मिलते हैं, यानी कि जीवित और निर्जीव दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए और एनिमल हो गए, जीवित हो गए, जैसे यहां पर रोक चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, वो अजीवित हो गई, तो जहां पर मिलकर एक दूसरे के साथ में एनर्जी का यहां पर एक तरीके से प्रवाह होता रहता है तो वो इकोसिस्टम बन जाता है। तो इसी तरीके से एक अच्छा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रखने की जरूरत है यहां पर, अगर आप लोग प्रॉपर वे में चीजों को देखना चाहते हैं, पर लेकिन उसी का डिस्ट्रक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है आप लोग का जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा, तो एक टिप हो गई आप लोगों के लिए, आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, जो आज के में जो फॉरेस्ट है वो ओवर ग्रेज किए जा रहे हैं, यानी कि जो 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 पशुओं के द्वारा जो पशु पाले जा रहे हैं, बफेलो गोट वगैरह, वो सबको चर दे रहे हैं वहां पर, ओवर ग्रेज कर रहे हैं उसको। तो यहां पर जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, अगर आज के में जो डेयरी और जो मीट प्रोडक्ट है उसकी वजह से ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है और मीट इंडस्ट्री काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये माना जा रहा है अगर ढंग से देखा जाए प्रॉब्लम कहां पर निकल कर आती है, मीट इंडस्ट्री ओवर फूड सिस्टम जो आज के में है वो एक्सट्रीमली इनएफिशियंट है। इनएफिशियंट कैसे बोला गया, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वी फीड ग्रेन्स टू काउ गोट्स एंड चिकन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, हम लोग गाय को, बकरी को और यहां पर जो मुर्गे वगैरह खाते हैं इनको हम लोग खाना खिलाते हैं और फिर उसके बाद में हम एनिमल खाते हैं। तो एक तरीके से हम लोग पहले अनाज उनको खिला रहे हैं और फिर उनको हम लोग खा रहे हैं। अगर हम लोग अनाज खुद ही खा ले और हम लोग इतने पाले ना, हम लोग क्या करते हैं आज के में अलग से पाल रहे हैं यहां पर इनको, ठीक है, अलग से इकट्ठा कर करके इनको वो किसी तरीके से ब्रीडिंग सिस्टम इनका बढ़ाकर और ज्यादा इनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इनको खाया जा सके। तो इसके चक्कर में क्या होता है, 9 कैलोरी हम लोग फूड जो है वो चिकन को अगर खिलाते हैं और जब हम लोग चिकन खाते हैं उसे कंपेयर में 1 कैलोरी हम लोग को बैक मिलता है, यानी कि 9 कैलोरी जब वो खा लेता है तो 1 कैलोरी हम लोग को बैक मिलता है जो जितना टाइम पीरियड में वो खाता है और फिर हम लोग उसको खाते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। इसी की वजह से 4.7% जो इंडियन चिल्ड्रन है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार यहां पर बने हुए हैं, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर वे में खाना मिल जाए तो ये प्रॉब्लम यहां पर सॉल्यूशन निकल सकता है। और इसी के साथ में ये जो इंडस्ट्री है ये ट्रिमेंडस वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है। ये माना जाता है कि 1/3 जो वर्ल्ड वाटर कंज्यूम किया जाता है वो एनिमल और जो प्रोडक्ट यहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं इस तरीके से कंज्यूम करने के लिए उसमें यहां पर ये सारा जाता है। नीति आयोग के द्वारा यहां पर साफ साफ बोल दिया गया कि 21 सिटी हमारी कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद, ये 0 ग्राउंड वाटर लेवल पर पहुंच जाएंगी 2020 तक। कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, 19 आ चुका है, कुछ टाइम बचा हुआ है, 20 भी स्टार्ट होने वाला है। तो इसी टाइम पर यहां पर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है, ये कंडीशन ऑलरेडी बोल दी गई है। एंटीबायोटिक जो यूज की जाती है इन एनिमल को प्रोटेक्ट कर रखने के लिए, बीमारी ना लगे उससे बचाने के लिए, वो डायरेक्ट इंसान के अंदर में जाती है और वो इंसान के अंदर में जाती है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में हो जाता है। इसकी वजह से यहां पर ये काफी बड़ा एक वर्ल्ड में प्रॉब्लम निकल कर आ रही है जो कि ग्लोबल हेल्थ की एक थ्रेट बन गई है। खासकर ये आज के डेट में नया डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है क्योंकि लोग जो है बहुत लार्ज स्केल पर आज के डेट में ये चिकन वगैरह मीट के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे हैं और इसके चलते जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो आ रही है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। और खासकर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे लोग ये चिकन वगैरह ये सारी चीजें खाना स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से और ज्यादा प्रेशर यहां पर पड़ रहा है, यानी कि एक साइकिल बनती जा रही है यहां पर जिसकी वजह से एक नया फंडा देखने को मिल रहा है। तो इंक्रीज मीट कंजप्शन यहां पर एक तरीके से जो फूड इनसिक्योर नेशन है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी नेशन में जितना मीट कंज्यूम ज्यादा करते हुए हम लोग नजर आएंगे। नेक्स्ट यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया जो कि मैंने आप लोगों को बोला कि नया कॉन्सेप्ट मुझे देखने को मिला, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, आज ही पढ़कर पता चला है। ये क्या था, ये था क्लीन मीट। क्लीन मीट क्या, यहां पर एक तरीके से लैब में ग्रो की जाएगी मीट, यानी कि ऐसे नहीं कि पशु पालेंगे और हम लोग फिर उसको वहां पर खाएंगे वो फंड है, नहीं, लैब में मीट को ग्रो किया जाएगा और ये जो मीट है यहां पर ये एक तरीके से यहां पर जो बनाई जाएगी ये यहां पर एनिमल की बॉडी से नहीं कि एनिमल की बॉडी यहां पर हम लोग यूज करें, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिकली सेल कल्चर के थ्रू जो कि आप लोगों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुना होगा उसका यूज करकर यहां पर इसको बेसिकली मीट को बनाया जाएगा रेदर देन एनिमल को यूज करके, ये पोटेंशियल बेनिफिट होने वाला है और इसको क्लीन मीट भी बोला जा रहा है। जिस तरीके से एक क्लीन मीट बनाया जा रहा है जो कि एनवायरमेंट सस्टेनेबल फ्रेंडली और एनिमल वेलफेयर के फायदे में भी है और फूड सेफ्टी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्लीन मीट बेसिकली यहां पर जो देखने को मिल रहा है काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर आगे हम लोग बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है तो उसके चलते प्लांट बेस यहां पर क्लीन मीट की बात की जा रही है, यानी कि क्रॉप को यूज करके भी यहां पर इस तरीके से मीट बनाई जा रही है। इसे मिलेट्स, रागी, पल्सेस और चिकपीज ये ग्रो किए जा रहे हैं और इनके बेस पर प्लांट बेस्ड मीट बनाई जा रही है जो कि एक तरीके से हेल्दी भी आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से ये भी एक नया प्रोडक्ट यहां पर निकल कर आ रहा है और जो काफी लार्ज स्केल पर आज के में इंप्लीमेंट किया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं यहां पर वो सब इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ताकि ये इसको बढ़ाया जा सके, एनिमल को भी लोग मारना और खाना बंद करें और इसी के साथ में एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज भी यहां पर बढ़कर आए, तो ये एक नया फंडा आप लोग बोल सकते हैं। इसी की वजह से क्लाइमेट के ऊपर जो इंपैक्ट है मीट इंडस्ट्री का वो भी काफी कम होगा और मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी यहां पर हम लोग कम कर पाएंगे और एनिमल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी यहां पर कम होती नजर आएंगे, यानी कि एक तरीके से अगर हम
लोग इसको बढ़ावा देते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग बोलते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फंडा यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव है उनको जरूर सपोर्ट किया कीजिए ताकि ये यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में हम सब चीजों को सुधार सके। तो अंबिका यहाँ पर यह हीरा नंदानी एक लॉयर इन्वायरमेंटलिस्ट और एनिमल राइट एक्टिविस्ट है जिनके द्वारा यहाँ पर यह आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आइए बाकी आगे चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर ये क्रूड ऑयल के बारे में जो अभी सऊदी अरेबिया में जो आग लगी है, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर अगर प्रोड्यूस जिसके द्वारा बोला गया कि आधा यहाँ पर कम कर देगा, तो इसके चलते जो एक्सपोर्ट है वो फ्रीज हो गया काफी लार्ज स्केल पर, और वर्ल्ड में यहाँ पर इसकी वजह से जो सप्लाई है वो काफी लार्ज स्केल पर टब हो गई कम, और इसकी वजह से प्राइस बढ़ते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो क्रूड ऑयल की जो नीड है वो अगर आप लोग देखेंगे, अगर इंडिया की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये बढ़ती हुई जा रही है। लोग आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा व्हीकल यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आज की डेट में कहीं पर भी जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं, स्कूटी लेकर चलते हैं, अपना गाड़ी लेकर जाएंगे। अगर इसका ऑल्टरनेटिव करने स्टार्ट कर दें, अगर कम से कम कोशिश करो कि लगभग 5 किलोमीटर की या फिर 1 से लेकर 3 या 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप लोग जा रहे हैं तो घर में साइकिल रखो और साइकिल लेकर जाओ तो कैसा रहेगा, हेल्थ की हेल्थ रहेगी, एनवायरमेंट का पोल्यूशन नहीं होगा, आपकी पॉकेट भी मनी भी बच जाएगी यहां पर। तो इस तरीके से कई सारे फायदे हो सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन प्रॉब्लम कुछ और ही देखने को मिलती है। अगर शेयर करें हमारी कंट्री का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखते हैं, इराक से सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं और सऊदी अरेबिया से दूसरे नंबर पर हम लोग खरीद रहे हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिलाया, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। इसी के चलते जो क्रूड ऑयल है वो उसका इंपैक्ट और गुड्स का जो इंपैक्ट है वो आप लोग देखते हैं शेयर क्या है इंपोर्ट में जो कमोडिटी में, तो क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के बाद में अगर बात करें यहाँ पर जो कैपेसिटी है मिलियन टन में वो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में जो देखने को मिल रही है, सारे ग्राफ आप लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे कि यहां पर आप लोग देखिए यहां पर अब तक तो ये हाई तो बार बार हो ही रहा था बीच बीच में यहां पर तेल का प्राइस, अभी देखिए यहां पर कितना ज्यादा हाई हो गया। ये 16 सितंबर की बात की जा रही है जब यहां पर आग लगी इसके अंदर में, तो इसकी वजह से हमारा जो डॉलर है वो भी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गया, लगभग 72 की एयरफेयर में आप लोग देखते हैं यहां पर पहुंच गया डॉलर के कंपेयर में रुपये की वैल्यू। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमारी कंट्री में कहां कहां पर है, तो ये भी आप लोग देखते हैं विशाखापटनम मैंगलोर और पादुर, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा पर्टिकुलर एरिया जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, ताकि रोका जा सके। अगर कोई देखे यहां पर पर्टिकुलर रीजन ये है, जैसे अगर यहां पर आग लगती है तो कम से कम हम लोग अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने एरिया को यहां पर सेव कर सकें, कम से कम अगर 10-15 दिन का हमारे यहां पर सेफ रहता है, ठीक है। लगभग अगर 1 महीने का हम लोग ऑयल रिजर्व सेव करें तो 1 महीने तक आग लग गई बुझेगी शांति होगा, तो तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल का इंपोर्ट कम कर सकते हैं, अपनी कंट्री में जो रिजर्व है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो डेफिसिट है वो भी यहां पर बच जाएगा। तो ये भी आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यूज कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से फ्यूचर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट वो जो आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसका नाम यहां पर इंडस रिवर जो है उसके आसपास वाली एरिया के नाम पर पड़ा है। पहले इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता था, पर लेकिन जैसे जैसे और कई सारी यहां पर इसके आसपास की ये सिटी यहां पर पता चलना स्टार्ट हुई तो बोला गया कि हड़प्पा नहीं है, ये इंडस रिवर के आसपास बसी हुई सिविलाइजेशन है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया गया। पहले बोला गया कि बाहर से लोग आए थे उनके द्वारा यहां पर ये सिविलाइजेशन बसाया गया, पर लेकिन जैसे जैसे नई नई रिसर्च और स्टडी सामने निकल कर आ रही है उसके बेस पर ये बातें जा रही है कि यहां पर लोकल ही थे ये आर्यंस, तो ये थ्योरी जो है वो गलत प्रूफ होती ही जा रही है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या क्या बातें और भी यहां पर नई नई आप लोगों को जानने को इसके बारे में मिलने वाली है। बाकी हिस्ट्री का टॉपिक है, अगर कभी फ्यूचर में मुझे टाइम मिला हिस्ट्री पढ़ाने का तो इसमें आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीजें थी यहाँ पर, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर जब आप लोग इसको जाकर पढ़ेंगे तो, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के बारे में, आइए एक एक पॉइंट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है MGNREGA, ये एक स्कीम है जो कि स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा, ये स्टार्ट की गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो अभी रिसेंटली क्या स्टेप यहाँ पर उठाया गया है, स्टेप ये उठाया गया कि देखिए लोगों का जो पैसा है एक तरीके से महंगाई जो है वो बढ़ रही है, तो महंगाई के बढ़ते बढ़ते यहाँ पर लोगों के पास ऐसा भी यहां पर होना चाहिए कम से कम अगर कोई यहां पर इस स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, और यहां पर महंगाई के साथ साथ में उनका पैसा भी बढ़ना चाहिए। आज के में एवरेज अगर आप लोग बोलेंगे इसके थ्रू जो पैसा लोगों को मिल रहा है वो 178 रुपए पर डे मिल रहा है, जबकि हमारी कंट्री की लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए वो 375 पर डे के हिसाब से होनी चाहिए, पर लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो बात की जा रही है इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ में इसको इंक्लूड कर दिया जाए ताकि फायदा यह देखने को मिले कि अगर यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोगों को यहां पर पैसा भी बढ़ता हुआ नजर आए और इसका एनुअल यहां पर रिविजन किया जाए। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है अगर महंगाई के साथ में यहां पर हम लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उससे फायदा यह होगा कि कम से कम लोगों को पैसा भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और लोगों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, तो उससे फायदा ये देखने को मिलेगा कि कम से कम उनकी जो रोजी रोटी है बच्चों को पढ़ाना है वो सारी चीज चलती हुई नजर आएगी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हमारी कंट्री में 2005 में आया जिसके बेस पर हम लोगों ने ये स्कीम स्टार्ट की गई, ठीक है ना।
तो ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी, ये स्कीम स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में 2006 में, प्रॉपर वे में इसको स्टार्ट किया गया फरवरी के महीने में। एक्ट था यहाँ पर 2005 का, जिसके बेस पर ये बोला गया था कि लगभग 100 डेज का वर्क प्रोवाइड कराया जाएगा आसपास वाले एरिया में। फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा यहाँ पर इसको प्रपोज किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो वर्ल्ड जो यहाँ पर अगर बात करें जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर इसको काफी इंपॉर्टेंट बोला गया रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 2014 में, तो उसमें इसको काफी सपोर्ट भी किया गया था स्कीम को, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, 69th बर्थडे था यहाँ पर, तो उसमें कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत यहाँ पर ये प्रोटेस्ट देखने को मिला, यहाँ पर ये सरदार सरोवर डैम के ऊपर जो यहाँ पर पुल बना हुआ है, ठीक है, नर्मदा रिवर के, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारी चीजें आप लोग देखते हैं यहाँ पर इसकी वजह से जो लोग डूब रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी कई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, रिवर के बारे में बताया था आप लोगों। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया और यूएसए मिलकर काम करने वाले हैं। इंडियन के जो यूएसए के एम्बेसडर है हमारी कंट्री में, वो हमारी कंट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से मिले, कॉमर्स मिनिस्टर, और बात की गई कि जो भी हर्डल है हमारे और यूएसए के बीच में, जैसे कि ट्रेड को लेकर कई सारी प्रॉब्लम आ रही है हमारी कंट्री के इनके बीच में, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, इसी के साथ में जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की बात की गई थी, वो इन्होंने हम लोगों से हटा लिया था, तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, एक बॉम्बर के द्वारा अटैक किया गया, 48 लोग मारे गए अफगानिस्तान के अंदर, और ये प्रेसिडेंट जो असफ घनी है उनकी रैली के पहले ही यहां पर देखने को मिला, और वो जरा जरा से बच गए, और 11 दिन पहले यहां पर जो कि इलेक्शन होने वाले प्रेसिडेंट के, ये कंडीशन देखने को मिल रही है। आखिर क्यों हो रही है ऐसी कंडीशन, क्योंकि तालिबान और यूएसए की जो बात थी वो बंद हो गई है। अब तालिबान दिखा रहा है कि मैं बताता हूं तुमको कि कैसे मैं यहां पर उल्टी सीधी हरकतें करता हूं, ठीक है, तो यही चीजें चल रही है। नेक्स्ट यहां पर ये एक बीएसपी को झटका आप लोग बोल सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि मायावती जी की पार्टी है, 6 एमएलए थे यहां पर राजस्थान में इनके, और 6 के 6 ने यहां पर किसको ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। तो 200 मेंबर की जो असेंबली है यहां पर, 106 मेंबर यहां पर कांग्रेस के हिस्से में यहां पर आ गए हैं, ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया है। नेक्स्ट बात करें यहां पर घड़ियाल के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा मध्य प्रदेश को बोला गया कि वो रिपोर्ट सबमिट करें कि जो सोन रिवर है, याद रखिएगा सोन रिवर यहां पर इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, तो घड़ियाल की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, तो इसके चलते यहां पर जो माइनिंग है लगभग 2 करोड़ जो यहां पर जो माइनिंग हो रही है वर्थ 2 करोड़ की यहां पर रिवर बेड में देखने को मिलती है सोन रिवर में, और इसकी वजह से यहां पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लगभग 96.96 से लेकर 98% जो पॉपुलेशन है इनकी कम हो चुकी है, अगर 1946 से हम लोग आज तक काउंट करते हैं तो, जबकि ये प्रोटेक्टेड एनिमल है यहां पर हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 के थ्रू, फिर भी इनकी संख्या घटती जा रही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है अनमैंड एयर व्हीकल के बारे में, जिसमें इंसान नहीं होता है कोई, तो ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया व्हीकल था, जिसका नाम भी आप लोग देखते हैं यहां पर तापस, ठीक है, तो ये रिसेंटली अभी यहां पर ये टूट गए यहां पर गिरकर कर्नाटका के अंदर, तो इसके बारे में याद रखते हैं। तो यूएई यहां पर किसके द्वारा बनाया जा रहा है, यहां पर ये है अनमैंड एयर व्हीकल, यूएवी, यूएई नहीं, ओके, आगे चलते हैं। आगे यहां पर बात की जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर, एक पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था जब चंद्रयान 2 के साथ में उसको कंपेयर किया जा रहा था, तो बोला जा रहा है कि यहां पर फिर से इसको यहां पर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, बिफोर दीपावली, तो देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। और बोला जा रहा है कि 2022 तक 40 नई ट्रेन यहां पर ऐड की जाएंगी, तो क्या कंडीशन बनती है वो हम लोग को आगे देखने को मिलेगा, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। बाकी एप्पल को लेकर काफी बड़ी बात निकल कर आ रही है कि एप्पल का यह माना जा रहा है कि इस साल का जो अभी यहां पर इसका एक्सपोर्ट होने वाला है 1 बिलियन यहां पर टच कर लेगा जो एप्पल का एक्सपोर्ट है। रीजन क्या है, अभी 11 जो है यहां पर एप्पल का जो 11 वेरियंट यहां पर आ गया है, तो इसकी वजह से यहां पर इसका एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। बाकी इसके अलावा यहां पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा गया था आप लोगों से ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ओमन, यमन के बारे में जान लिया, यहां पर अब सऊदी अरेबिया हो गया, ये हो गया ओमन, ये हो गया यूएई, पर्शियन गल्फ हो गया, ये यहां पर गल्फ ऑफ ओमन हो गया, ये अरेबियन सी, और यहां पर ये ईरान, ये हो गया पाकिस्तान, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखते हैं। ओमनी, रियाल और मस्कट यहां पर इसकी ये करेंसी और कैपिटल हो गई, और ये इसका फ्लैग हो गया, ओके। बाकी जो आप लोगों के यहाँ एक ये पिक्चर बच गई छोटी सी, यहां पर बर्थडे सेलिब्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा अपनी मदर के साथ में। आप लोग किसके साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि कौन है वो पर्सन, घर वालों के साथ में ज्यादा अच्छा लगता है या फिर फ्रेंड के साथ में, ऐसा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सबसे पहली बात की जा रही है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था सऊदी अरेबिया के द्वारा जब हुतई कम्युनिटी को हटाने की कोशिश की गई। यहां पर बात की जा रही है बैब अल मनदेब, ये यहां पर पर्टिकुलर किस किस एरिया के बीच में आता है, एक साइड में यहां पर यमन है, दूसरी साइड में कौन है, यहां पर 30% इंक्रीज मिजल्स में देखने को मिला, किसके द्वारा ये बात की गई, और यूके, ग्रीस और यहां पर ये चीज रिपब्लिक, और ये कौन सी कंट्री है जिनने अपना एलिमिनेशन का जो दर्जा है वो खो दिया है रिसेंटली अभी। निर्मला सीतारमण के द्वारा कब तक बोला गया पाइप वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा गांव वाले एरिया में, किसके द्वारा बोला गया, किस सिटी में हमारी कंट्री में 2020 तक पानी नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहां पर जो मनरेगा की बात की जा रही है, किसके द्वारा बोला गया कि यहां पर जो वेज है कम से कम 375
स्तर होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस गवर्नमेंट को यहाँ पर ये फटकार लगाई है घड़ियाल को लेकर, प्रदेश है यहाँ पर, तो आप लोगों को बताना है आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये ऑप्शन आप लोगों के सामने, ठीक है, सारे प्रदेश, तो बताइएगा कौन सा प्रदेश है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, इनके आंसर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140 हमारी रैंक। इसी के साथ में बेओ बंगाल में जाकर गिरती है गोदावरी रिवर, लास्ट 5 ईयर में यहां पर देखने को मिला, जो यहां पर बेसिकली जो शेयर है ये काफी वेल्थेस्ट पीपल का जो बढ़ता हुआ जा रहा है। एनुअल रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था, यहां पर ये रिपोर्ट है एसर की, जिसके द्वारा यहां पर बच्चों की एजुकेशन की बात की जाती है, 70,000 यहां पर इन्फ्यूज करने की बात की गई, ये भी हम लोगों ने जाना। पीआर ईवी रामेस्वामी के बारे में बात की गई, जिनको फादर ऑफ द्रविडियन भी माना जाता है, द्रविडियन मूवमेंट। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे वेस्टर्न चर्चर थे, जो कि बंगाल फेमाइन आप लोगों को देखने को मिला। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मैंने डिटेल में पढ़ाया जितना ज्यादा अच्छे से मैं पढ़ा सकता था, बाकी आप लोगों ने कितने अच्छे से यहां पर सुना और कितना फायदा हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, और लेक्चर को देखिए लाइक करना मत भूला कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, जितना ज्यादा आप लोग लाइक करते हैं ना उसे लगता है कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है, और शेयर जरूर कीजिए, ये आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है कि खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है, तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और अपने परिवार को बड़ा परिवार बना पाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा नैनो मैगजीन का 7 बजे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।